हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें एक शील्ड रियूनियन देखने मिलने वाला है एट समर स्लैम, और ऐसे ही शॉकिंग थिंग्स के बारे में जो हो सकती है एट समर स्लैम। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। समर स्लैम बस एक ही हफ्ता दूर है और हमें बहुत सारे शॉकिंग थिंग्स देखने मिलने वाले हैं एट समर स्लैम। क्या रोमन रेंस बनेंगे यूनिवर्सल चैंपियन? कौन करेगा मनी इन द बैंक कैश इन? और क्या हमें एक शील्ड रियूनियन देखने मिलेगा एट समर स्लैम? ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये रहे वो शॉकिंग मूवमेंट जो हो सकते हैं एट समर स्लैम। नंबर वन, स्टेफनी मैकमैन कॉस्ट रोंडा राउजी हर मैच। दोस्तों, रोंडा राउजी के जैसा मोमेंटम किसी के पास भी नहीं है विमेंस डिवीजन में। रेसलमेनिया 34 में डेब्यू करने वाली रोंडा राउजी ने सभी को इम्प्रेस करके रख दिया है, और अब वो समर स्लैम में रेसल करने वाली है एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ फॉर ड्रॉ विमेंस चैंपियनशिप। पर दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ WWE फैंस खुश नहीं होंगे अगर रोंडा राउजी ने रॉ विमेंस चैंपियनशिप जीता एट समर स्लैम, क्योंकि उनके हिसाब से ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा उनको चैंपियनशिप दे देना। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेफनी मैकमैन आकर रोंडा राउजी को वो मैच कॉस्ट कर सकती है उन पर अटैक करके, और फिर इस तरह हमें रोंडा राउजी और स्टेफनी मैकमैन की राइवलरी देखने मिलेगी और एक पोटेंशियल मैच भी इन फ्यूचर पेपरव्यू। नंबर टू, डीन एम्ब्रोस रिटर्न्स। दोस्तों, डीन एम्ब्रोस अब फिट हो चुके हैं रिटर्न करने के लिए, और वो अपना रिटर्न समर स्लैम में कर सकते हैं पॉसिबली। और जैसे कि आपको पता है कि सेथ रॉलिंस का ये प्रोबेबली लास्ट चांस होगा टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट समर स्लैम। तो फिर हो सकता है कि जब सेथ रॉलिंस जीतने की कगार पर हो तब ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस पर अटैक करेंगे, और इस तरह ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाएगा। जब ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर अटैक कर रहे होंगे सेथ रॉलिंस पर, तभी डीन एम्ब्रोस अपना मोस्ट अवेटेड रिटर्न करेंगे और करेंगे सेथ रॉलिंस की मदद, और फिर ऐसे दोनों शील्ड ब्रदर्स मार देंगे डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर को। नंबर थ्री, पॉल हेमन धोखा देंगे ब्रॉक लेसनर को एट समर स्लैम। दोस्तों, पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को सिंस 16 ईयर्स जानते हैं, और उन्होंने हमेशा ब्रॉक लेसनर का साथ दिया है। समर स्लैम में रोमन रेंस का प्रोबेबली लास्ट चांस होगा टू विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। प्लस ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है समर स्लैम के बाद। तो फिर अगर ब्रॉक लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं किया WWE के साथ, तो हमें एक बड़ा शॉकिंग थिंग देखने मिल सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रॉ में ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन पर अटैक किया था, तो फिर समर स्लैम में जब ब्रॉक लेसनर ये मैच जीतने वाले होंगे तभी पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर पर अटैक करेंगे, और इसी का फायदा उठाकर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्पीयर देकर ये मैच जीत जाएंगे और बन जाएंगे आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और फिर उसके बाद हमें देखने मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस आकर रोमन रेंस को कंग्रेचुलेट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे एक छोटा शील्ड रियूनियन दिखाकर, और फिर इस तरह रोमन रेंस को क्राउड से सपोर्ट भी मिलेगा। नंबर फोर, ब्रॉक लेसनर विंस क्लीन एंड रिटेन्स द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर के पास काफी अच्छा मोमेंटम है और वो काफी अच्छी शेप में लग रहे हैं, लीन एंड फास्ट। तो हो सकता है कि पॉल हेमन सिर्फ नाटक कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर से नाराज होकर, पर रियलिटी में वो उनके साथ ही रहेंगे। और जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में कहा था कि रोमन रेंस वो मैच जीतेंगे या हारेंगे ये पूरी तरह से क्राउड पर डिपेंडेंट है। अगर क्राउड रोमन रेंस को बुरी तरह से बू करने लगे और मैच खराब करने लगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली विंस मैकमैन को ये मैच ब्रॉक लेसनर को जिताना होगा एक कॉन्ट्रोवर्शियल अंदाज में। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन की मीटिंग हो चुकी है, और ब्रॉक लेसनर ने विंस से कहा है कि वो UFC और WWE दोनों में ही काम करना चाहते हैं। तो फिर हमें इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीता हुआ देख सकते हैं अगर क्राउड ने इस मैच में मस्ती की तो। एंड द नंबर फाइव, ह्यूज कैश इन ऑन द यूनिवर्सल चैंपियन एट समर स्लैम। दोस्तों, यूनिवर्सल चैंपियनशिप में कैश इन बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केविन ओवंस की मैच हमें देखने मिलने वाली है, और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑन द लाइन। और जिस तरह से जिंदर महाल इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि जिंदर महाल इस मैच में जुड़ जाए। तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि केविन ओवंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन या फिर जिंदर महाल इनमें से कोई एक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा और कैश इन करेगा समर स्लैम के ही दिन आफ्टर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस इस मैच। तो फिर हमें देखना होगा कि कौन जीता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, कौन जीता है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, और क्या मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर कैश इन करेगा एट समर स्लैम। तो दोस्तों, ये थे हमारे वो 5 शॉकिंग थिंग्स जो हो सकते हैं एट समर स्लैम। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको इनमें से कौन सा शॉकिंग सिनेरियो सबसे ज्यादा पसंद आया। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।